नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक में। तो हो गया चाय का टाइम, ले लिया जाएगा कब, शुरू करते हैं बातें। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। काफ़ी फीमेल्स इससे सफ़र करती हैं और काफ़ी एंग्शियस रहती हैं इस पॉइंट को लेके, जो मिसकैरेज होता है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। मिसकैरेज क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायग्नोसिस, इन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मिसकैरेज है क्या? मिसकैरेज मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी 20 वीक्स से पहले, मतलब कि 5 मंथ से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है नेचुरली या ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो अपन उसको बोलते हैं मिसकैरेज। अपने जो नेचुरल प्रेगनेंसीज होती है, 10-20% नेचुरल प्रेगनेंसीज एंड इन मिसकैरेजेस, मतलब 10% महिलाओं में मिसकैरेजेस देखने को मिलते हैं और इसकी शंका रहती है। अब मिसकैरेज जो टर्म है वो कैसे लगता है कि इट इज़ सिग्निफाइंग लाइक दैट कि देर इज़ समथिंग मिस्ड इन कैरिंग प्रेगनेंसी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब आपकी प्रेगनेंसी कैरी करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली ट्रू है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ कि जो फीटस जैसे बनना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये होते हैं मिसकैरेज। अब मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग, अगर आपको ब्लीडिंग है, फर्स्ट मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस जो हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर ही हो जाते हैं, 3 मंथ्स 12 वीक्स के अंदर अंदर। तो अगर आपको ब्लीडिंग है तो आपको इमरजेंसी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा आगे कि अगर ब्लीडिंग है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर एक कारण ये भी हो सकता है कि मिसकैरेज हो। दूसरा, आपको पेन है, क्रैम्पिंग पेन है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, तो आपको दिखाना है। तीसरा, कुछ प्रोडक्ट पास हुआ है वजाइना से, कोई टिश्यू पास हुई है या कुछ भी क्लॉट पास हुआ है वजाइना से, तो इट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेशन कि इट कैन बी मिसकैरेज। तो यू शुड विजिट योर लोकल गायनेकोलॉजिस्ट और लोकल डॉक्टर, तो फिर वो आपको आगे रेफर कर देंगे इफ़ यू नीड सम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। अब हम आते हैं मिसकैरेज के कॉजेस पे, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो 50% ऑफ द मिसकैरेजेस होते हैं पहले 3 महीने में या पहले 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, तो वो मोस्टली होते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स मतलब ये नहीं है कि इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स या आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है या जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ नहीं है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स मतलब कि जो एम्ब्रियो बन रहा है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं उस टाइम पे कुछ तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक डिलीट क्रोमोसोम, ऐसा इनको अपन कहते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, जो कि एम्ब्रियो बनते टाइम क्रोमोसोम के डिवाइडेशन में या एक्स्ट्रा एडिशन होता है या एक्स्ट्रा डिलीशन होता है, तो उसमें इन प्रॉब्लम्स को अपन कहते हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, ना कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो कि पेरेंट्स से अपने को इनहेरिट हुई है, अपन ये नहीं कहते हैं। इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम में क्या होता है कि आपका जो जी सैक होता है वो तो बन गया। जी सैक मतलब कि जो अपन कहते हैं पहले बच्चे की गांठ बनती है फिर अंदर बच्चा बनता है, तो गांठ तो बन गई लेकिन बच्चा नहीं बना, मतलब एम्ब्रियो नहीं बना है, तो उसको अपन कहते हैं ब्लाइटेड ओवम। दूसरा होता है आईयूडी, जिसमें कि क्या होता है कि आपका फीटस बन गया है लेकिन फीटस में हार्ट बीट नहीं है, तो फिर वो अपना हो जाता है कि इस बच्चे में धड़कन ही नहीं है। जैसे अपन कहते हैं धड़कन कब तक आ जाती है, मोस्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, पेशेंट सबसे पहले यही पूछती है कि मैडम धड़कन कब तक आ जाती है बच्चे में, तो 6 वीक्स का अपना टाइम होता है जिसमें अपन कहते हैं कि हार्ट बीट आ जाती है। थोड़ा सा अगर अपने उस टाइम तक हार्ट बीट नहीं आई है, अपन वेट एंड वॉच कर सकते हैं टिल 7 वीक्स, और अगर उसके बाद भी हार्ट बीट नहीं आती, मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तीसरा होता है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी मतलब इसमें क्या होता है कि जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं वो फादर से इनहेरिट हो जाते हैं, तो इसमें होती है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। तो जब कंप्लीट अपन कब कहेंगे, जब दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम अपने को फादर से आ गए हैं और प्लेसेंटा की भी इसमें एबनॉर्मलिटी होती है, प्लेसेंटा बनने में गड़बड़ी होती है। दूसरा जो होता है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर का सेट ऑफ क्रोमोसोम तो आपके पास है ही है, बट फादर से 2 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके आ गए हैं, तो फिर और उसमें एबनॉर्मलिटी ऑफ
प्लेसेंटा भी एडेड है ही, तो फिर ये हो जाती है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। पार्शियल और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसीज जो हैं ये वायबल प्रेगनेंसीज नहीं है। वायबल मतलब कि ये इसमें लाइव फीटस आपके पास नहीं है, इसमें कोई बच्चा आपके पास नहीं है। इसमें आपको मिलता है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स बन जाते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे अंदर की स्थिति होती है, तो इसका भी टर्मिनेशन ही करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉजेज में आते हैं अपन जो मैटरनल हेल्थ कंडीशंस हैं। मैटरनल हेल्थ कंडीशंस में कई क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो उसमें आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। दूसरा कुछ थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी हो सकता है। तीसरा कुछ हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। फिर फोर्थ आपका यूट्रस है, आपका सर्विक्स है, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे यूट्रस में अगर कोई बड़ी गांठ है, इंट्राम्यूरल गांठ है, तो बच्चे को स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा ग्रो नहीं हो पा रहा है। फिर आपका सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का मुंह है वो इनकॉम्पिटेंट है, छोटा है, तो उसमें भी मिसकैरेज हो सकता है। तीसरा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस अगर आपको कुछ हैं तो उसकी वजह से भी आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो ये अपन ने बात की कॉजेज के बारे में। जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं कि लेडीज़ का रहता है कि काम नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे रेस्ट पर रहना है पहले 3 महीने, ये सब तो ठीक है, आपको जो अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से मिसकैरेज हो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज की, आपने जॉगिंग की, आपने साइकिलिंग की, या आप अपने हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, आप बाहर वर्किंग लेडी हैं तो यू कैन गो टू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की कि किस में कौन पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं मिसकैरेजेस के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है एज। अगर आपकी यंग एज है तो आपको कम चांसेस रहते हैं मिसकैरेजेस के, लेकिन आपकी एज अगर एल्डर एज है, जैसे मान लीजिए 35 है, 40 है, तो इन एजेस में क्या होता है कि थोड़े से चांसेस मिसकैरेजेस के बढ़ जाते हैं। दूसरा कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि मैंने बताया अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स है, या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, तो ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है, तो इनकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर है कि आपको प्रीवियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, पहले 1, 2, 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, तो यू आर मोर प्रोन कि आपको मिसकैरेज हो सकता है। फिर एक होता है कि कुछ स्मोकिंग एल्कोहल अगर पेशेंट्स हैं तो फिर दे आर मोर प्रोन टू मिसकैरेजेस। बाकी वेट भी आपका जो है प्रॉपर BMI मेंटेन करना चाहिए, कि ना तो अंडर वेट होना चाहिए पेशेंट को, ना ही ओवर वेट होना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें वेट इश्यूज हैं तो दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू मिसकैरेजेस। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन में जैसे मिसकैरेज हुआ है, अंदर आपके डाइड फीटस है, या आप DNC कराते हैं, या जो भी होता है, अगर मिसकैरेज है तो नेक्स्ट चीज़ आती है इन्फेक्शन। अगर अंदर है तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से फीवर होना, आपको चिल्स आना, आपको राइगर्स होना, आपके पेट में निचले हिस्से में आपको दर्द होना, ये सब आपको हो सकता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें भी बदबू शुरू हो सकती है, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये आपके जो कॉम्प्लिकेशन है ये मिसकैरेज का वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन।